देखने के लिए, और इसका मतलब है कौन। कौन यानी किसी शख्स के बारे में, वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, उसके बारे में हम पूछने के लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं इंग्लिश में हु, कौन। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास होम। होम, होम का मतलब है किसे, किसको, यानी ये भी हम इस्तेमाल करते हैं किसी मेल या फीमेल के लिए, तो इसका मतलब है किसे या किसको। नेक्स्ट वर्ड है विच। विच, विच का मतलब है कौन सा, कौन सा। व्हाट, व्हाट, व्हाट का मतलब है क्या, क्या। व्हाई, व्हाई, रीज़न पूछने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में व्हाई। व्हाई का मतलब है क्यों। माय, माय, माय का मतलब है मेरा या मेरी। आवर, ये वर्ड है आवर, इसका मतलब है हमारा, हमारा। देयर, देयर, उनका, उनका। एट, एट, एट का मतलब है पर। एज, एज, एज का मतलब है जैसा के। एट वंस, एट वंस, अचानक, यकदम। एट फर्स्ट, एट फर्स्ट, शुरू में, यानी इन द बिगनिंग, शुरू में। एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा। आफ्टर, आफ्टर, बाद में। ऑलरेडी, ऑलरेडी, पहले से। लॉन्ग, लॉन्ग, इसे अगर आप तेज़ी से पढ़ें तो ये वर्ड इस तरह से पढ़ा जाएगा, लॉन्ग, साथ साथ। अगैन, अगैन, दोबारा। वंस अगैन, वंस अगैन, एक बार फिर, फिर से। अबव, अबव, ऊपर। अगेंस्ट, अगेंस्ट, के बरक्स, के बरक्स। ऑल्सो, ऑल्सो, भी। ऑल्दो, ऑल्दो, अगरचे। अमंग, अमंग, दरमियान। अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम, से दूर। देम, देम, उन्हें। बिसाइड, बिसाइड, करीब, पास। बियॉन्ड, बियॉन्ड, कुछ लोग इसको पढ़ते हैं बियॉन्ड, तो ये गलत प्रोनंसिएशन है, इसकी सही प्रोनंसिएशन है बियॉन्ड। आगे, परे। आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल, आखिरकार। बट, लेकिन। डाउन, डाउन, नीचे, नीचे की तरफ। डाउनवर्ड,
डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, नीचे की जानिब. फ्रॉम, फ्रॉम से. फॉर, फॉर के लिए. इनसाइड, इनसाइड अंदर की जानिब. इनटू, इनटू अंदर. इफ, इफ अगर. लेट, लेट देर से, ताखीर से. बिकॉज, बिकॉज क्योंकि. बिहाइंड, बिहाइंड पीछे. बिलो, बिलो नीचे. ओनली, ओनली सिर्फ. अप, अप ऊपर. अपॉन, अपॉन पर. टिल, टिल हत्ता के. अनटिल, अनटिल जब तक. थ्रू के जरिए. विद इन, विद इन इसको अगर तेजी से पढ़ें तो ये बनता है विद इन, विद इन में से. अपवर्ड, अपवर्ड ऊपर की जानिब. डाउनवर्ड होता है नीचे की जानिब और अपवर्ड ऊपर की जानिब. बैकवर्ड पीछे को. बैकवर्ड. फॉरवर्ड, फॉरवर्ड आगे की तरफ. ऑलराइट एवरीवन, आई होप ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा. इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखते रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.